फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम करेंगे सिक्स क्लास का मैथ और इसका चैप्टर फाइव है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और ये एम एल अग्रवाल की बुक है। नुलराइज 5.1 का क्वेश्चन वन है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। कोई भी हमें एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, इस पॉइंट से तो हम अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी लाइन इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइन एक पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन टू, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। दो अलग अलग पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, मान लो एक ये दे रखा है, तो इससे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वन ही लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे वो पॉइंट ऐसे ऐसे दे रखा हो तो भी हम वन ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? वन। अब है क्वेश्चन थ्री का आंसर लिखेंगे, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अभी आपने देखा था कि पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है? पॉइंट्स तो किसी भी चीज को इंडिकेट करता है। मान लो ये डॉट है, ये पॉइंट, इसको मैं कह दूं ये ए पॉइंट है, फिर ये एक लाइन है और इसके ऊपर यहाँ एक बी पॉइंट है। तो पॉइंट का मीनिंग होता है किसी भी, मतलब एक लोकेशन को दिखाता है पॉइंट। बट कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब एक ही लाइन पे, मान लो ये ए है, एक लाइन है ये ए और बी, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है ए बी सी, मतलब कुछ ये ए बी तो ये हो गया, मान लो ये है ई, ये है एफ और ये है जी, ये है एच, ये पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स उनको बोलते हैं जब किसी लाइन पे कम से कम तीन पॉइंट तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहे जाते हैं। एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन होने ही चाहिए कोलिनियर होने के लिए, तो थ्री से ज्यादा कितने भी हो। तो कितनी बना सकते हैं? अगर एक तीन, मतलब ये क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, तो उससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम? इससे भी हम एक ही कर सकते हैं क्योंकि थ्री लाइन, थ्री पॉइंट तो होने चाहिए एक पे, तो ये एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो इसका भी आंसर वन होगा। अब है क्वेश्चन फोर, मार्क थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी इन योर नोटबुक, ड्रॉ लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग टू एट ए टाइम्स एंड नेम दीज लाइन्स, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अब थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं, मान लो हम, ये हमारा क्वेश्चन फोर है। थ्री नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे ना होना, जैसे ये दो हो गए और एक पॉइंट मान लो हम यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, आप ऊपर भी ले सकते हैं। अब इनमें से हमें और लाइंस बनानी, लाइंस का मतलब क्या होता है कि उनका पॉइंट फिक्स नहीं होगा। देखो, अगर हम लाइन, सबसे पहले तो आपको मैं ये कंसेप्ट ही क्लियर कर देती हूँ कि लाइन रे और लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी आएंगे, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मान लो ये एक लाइन है और इसके यहाँ दोनों तरफ एरो है, तो ये क्या कहलाएगी? ये होती है लाइन, इसको बोलते हैं लाइन। एरो का मतलब ये होता है ये इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है और ये इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है, ये अनलिमिटेड बढ़ सकती है इस साइड भी और इस साइड भी, इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। फिर होती है रे। रे क्या होती है? रे का एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है? फिक्स पॉइंट। और एक इस ऐसे होती है आगे, एक तरफ एरो होता है, एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है। एरो का मतलब है कि आगे एक साइड में ये कितनी भी अनलिमिटेड बढ़ सकती है और इधर भी, मतलब पॉइंट होके ये इस साइड भी बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है एक ही साइड, किसी भी साइड से बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सन, सन जो होते हैं ना सूरज, ये एक पॉइंट है सूरज का और इससे क्या होती है बहुत सारी रे निकल के जाती है, ये सब रे ही तो होती है। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो भी एक पॉइंट से उनकी रे निकली और जहां तक उनको फैलने के लिए जगह मिलती है वहां तक वो अनलिमिटेड फैल जाती है उसकी लाइट। तो ये हुई लाइन, ये हुई रे। अब आता है लाइन से, लाइन सेगमेंट। देखो, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है दोनों तरफ से ही फिक्स होना। क्या?
क्या होता है, दोनों तरफ से फिक्स मान लो ये ए है ये बी है, अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 ही रहेगी, ना इसको इस साइड बढ़ा सकते ना ही इसको इस साइड बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट होता है, रे को हम एक साइड बढ़ा सकते हैं, लाइन को हम दोनों ही साइड बढ़ा सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट। आई होप की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी के बेस पे अभी हम कई क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो अभी देखो इस पे भी हमें लाइन करनी है, मान लो ये हमने दो पॉइंट एक साथ लेने, क्वेश्चन ने बोला कि टू पॉइंट, अब ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी, तो हम दो पॉइंट एक साथ लेंगे, हमने लिया ए और सी एक साथ ले लिया, तो इसका मतलब लाइन है, ये लाइन मतलब आगे भी ये एक्सटेंड हो रही है, और इसको लेंगे फिर हम, फिर कौन सा लेंगे, और इसको मिला सकते हैं ए और बी, तो ये लाइन से इनका मतलब ये आगे इधर एक्सटेंड हो सकती है, ये इधर 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 हो सकती है, ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, लाइन बोला है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से बनाई गई है। तो कितनी लाइन्स होंगी, देखो एक तो हो गई ए और बी, कितनी हो गई लाइन्स, ए बी, और एक हो जाएगी फिर ए और सी, और फिर एक हो जाएगी बी और सी, या सी और बी को, या ए और सी, तो क्या बोलेंगे बी और सी, ये कितनी हो गई थ्री, कितनी हो गई थ्री, इसका आंसर हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव में है देखो, यूज द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम, ये एक एडजॉइनिंग फिगर गिवन है, और इसमें हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट में दे रखा फाइव पॉइंट्स के नेम बताने हैं। देखो पॉइंट्स अभी मैंने बताया आपको, पॉइंट क्या होता है, किसी भी लोकेशन को दिखाता है, तो डी एक पॉइंट हो गया, ई एक पॉइंट हो गया, ओ एक पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, और सी एक पॉइंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन फाइव का आंसर है, सारे ये पॉइंट्स लिख देंगे, डी ई ओ बी और सी, ठीक है। हमें बतानी है ए लाइन, अभी मैंने क्या बताया था, लाइन क्या होती है, लाइन दोनों साइड ही एक्सटेंड हो सकती है, तो लाइन क्या होगी इसमें, लाइन इसमें होगी डी और बी, तो एक ही लाइन बतानी है हमें, तो हम एक ही बता देते हैं, ठीक है। इसी में इसका आंसर लिख देती हूँ मैं, डी और बी, और इसके ऊपर ये जो ऐसे सिंबल होता है ये लाइन को डिनोट करने के लिए होता है, तो डी बी एक लाइन है, इसका मतलब ये है, ठीक है। हो तो और भी सकती है, बट इसमें हमें बताना एक ही है, तो हम एक ही बताएंगे, और ये क्लियरली सभी को दिखाई दे रही है कि ये दोनों एक्सटेंड हो रही है। अब हमें थर्ड में बताना फोर रेज, अभी मैंने रेज आपको क्या बताया कि रेज एक फिक्स पॉइंट से निकल के आगे अनलिमिटेड एक्सटेंड हो सकती है। तो देखो एक तो हो सकती है ये ओ पॉइंट है, ओ से सी पे गई, तो क्या होगी ओ सी, और रे को ऐसे डिनोट किया जाता है ओ सी, और दूसरी क्या हो सकती है ओ और बी, ओ पॉइंट है ओ से बी, फिर एक क्या हो सकती है, और या फिर ई ई भी लिखो, ई ई से और बी की तरफ भी जा रही है, ई से बी की तरफ, ऐसे क्लियरली आपको समझ में आना जरूरी है। ओ सी और ओ बी और ई और बी और एक हम लिख सकते हैं डी और बी, डी से बी की तरफ ऐसे आगे, ये एक डी फिक्स पॉइंट है, डी और बी, ये चार ही बतानी हो तो और भी सकती है, बट चार बतानी है तो चार मैंने आपको बता दिए हैं। अब है फाइव लाइन सेगमेंट, फाइव लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं, ना वो उस साइड बढ़ता ना उस साइड बढ़ता, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो एक क्या हो सकता है डी और ई, डी और ई, और इसको ऐसे डिनोट, इसको मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, डी और ई के बाद एक हो सकता है डी और ओ, और एक हो सकता है ई और बी, और एक हो सकता है डी और बी, सकता है ओ और बी, मतलब जिसके भी फिक्स पॉइंट है, एक ये एक ये एक ये एक ये ओ, ओ ओ ओ से निकल के आई, ओ से एक ओ पॉइंट है, ओ से यहां तक भी एक फिक्स हो सकता है, लेकिन पांच ही बताने थे, तो डी ई और डी ओ और ई, ई और बी और डी और बी और ओ और बी, ये पांच लाइन सेगमेंट हो गए। सिक्स में है यूज द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग ई, ई लाइन जो है ना ई, ई ये जो पॉइंट है,
ये कौन सी लाइन के ऊपर है? ये है ए और ई पे ही है ये पॉइंट, ठीक है, यही एक लाइन है। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? इसका आंसर लिख देते हैं यही ए और ई, ये है लाइन का सिंबल। लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से कौन सी लाइन होके गई है? ए से, ए पॉइंट से ये ए और ई ही गई है, ए और ई, ठीक है, लाइन का सिंबल। अब लाइन ऑन विच पॉइंट ओ लाई, ओ कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है? ओ देखो कौन सी लाइन के ऊपर कर रहा है, ये सी और ओ, किस पे कर रहा है? सी और ओ, और एक और किस पे कर रहा है? ओ और सी, इधर से करोगे तो ओ सी, इधर से करोगे तो सी और ओ, इसको दोनों तो एक ही बात है, ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, ठीक है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई लाइन किसी को कट करती है उसको बोलते हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे ये एक लाइन मैंने करी और ये एक, इसका ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये कैसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये यहाँ यहाँ इंटरसेक्ट हुआ तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ हुआ तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताने हैं हमें, टू टू पेयर बताने। देखो एक तो पेयर ये है, एक ये पेयर है, तो क्या लिखेंगे? सी और ओ, ये है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और दूसरा पेयर सी और ओ, ओ और ए और ई, ये दोनों का ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ बी पॉइंट पे कट हो रही है। तो लाइन बताने ना, इंटरसेक्टिंग पेयर्स के लाइन बताने, लाइन के पेयर्स बताने हैं, टू पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ, सी और ओ और ए और ई, और दूसरा पेयर है ए और ई, और फिर ई और एफ, ठीक है, ए और ई और ई और एफ, ठीक है, ये हो गए टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर राइट कोलिनियर पॉइंट्स लिखने। पहले मैं भी कोलिनियर पॉइंट्स हमने ऊपर देखा था कि क्या होते हैं, यानी एक लाइन पे एटलीस्ट थ्री पॉइंट तो होने चाहिए। देखो ये ए और ये डी और ये सी, कितने हुए? पहले ए, पहले क्या लिखेंगे? ए डी और सी, और फिर दूसरे देखो बी और डी और ई, बी बी डी और ई, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए एक ये दो के। अब है सेकंड में, कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती है? जब कम से कम तीन या तीन से ज्यादा लाइन पास होके जाती है, जैसे ये पॉइंट है इसे ये थ्री लाइन जा रही है, तो ये क्या होगा? ये कंकरेंट पॉइंट होगा। किस किस का? देखो एल, एक तो ये भी होगा ये, और ये पी, क्या एल एन पी, थ्री हो गई, एल एन और पी तीन हो गई है, और फिर पॉइंट बी पे कर रही है, कहा कर रही है? मीट पॉइंट बी पे, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे आके मतलब पास होके गई है, इस पॉइंट से आगे निकली है। अब दूसरी कहां पे हो रही है? यहां हो रही है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे कौन कौन सी हो रही है? पॉइंट ए पे हो रही है एक तो पी और क्यू और क्यू और एम, कौन सी हो रही है? क्यू पी और एम, और कौन से पॉइंट पे हो रही है? पॉइंट ए पे, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन बच गए ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।